भाई आज का दिन बहुत खास है. अच्छा अच्छा आज तक आपने हमेशा देखा कि हमारे इस मंच पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से तमाम दिग्गज कलाकार आते रहे, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग भाषाओं में, उस इंडस्ट्रीज के सब बड़े बड़े सुपरस्टार आने वाले हैं. वो क्यों आ रहे हैं ये मैं उनके आने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इन्वाइट उनको करना चाहूंगा जिनकी वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है. सो प्लीज वेलकम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे ज्यादा फिट और गुड लुकिंग स्टार्स, मिस्टर सोहेल खान एंड मिस्टर सुनील शेट्टी. सोहेल भाई, सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया. थैंक यू. सोहेल भाई तो दुकान ओपन करवा के गए थे. सोहेल भाई रेगुलर आते हैं ना? नहीं सर, मतलब आ सकते हैं, घर का प्रोडक्शन है. पर इस बार डिफरेंट है जी, सिनेमा हॉल नहीं, इस बार स्टेडियम की सौगात है. कभी विकेट तो कभी रनों की बौछार है. सोहेल भाई की दमदार टीम को देख के लगता है शिकार पे निकली शेरों की बारात है. हम लोग स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स हैं. ना जी सर, ना 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 ना. आज अगर आपको कोई देखे तो आप असरदार सरदार हैं. देखिए आपका पहरावा देखो. अरे देख लो, सोहेल भाई को और अन्ना को देख के लगता है कि इधर शूटिंग रोके, सबसे पहले तो हम जिम जाएं. अरे वाह, मतलब कितने फिट हैं. मतलब मैं हमेशा सोहेल भाई को भी ये बात बोलता हूँ, अन्ना आप भी जब, मतलब जब भी देखता हूँ कसम से, फिर क्या शर्म आती थोड़ी थोड़ी कि यार हमें भी करना चाहिए. आप सब भी जाया करो. और इस बात पे ना एक बात और कह दूं जी, सबसे आसान है मोटा होना. खाए जाओ बकर बकर खाए जाओ, परांठे खाओ, ये जो मर्जी करे जाओ. और सबसे मुश्किल है ऐसा बनना. बिल्कुल ऐसा बनना सबसे मुश्किल. ये मेहनत है, तपस्या है गुरु. ठोको ठोको मत रोको, तपस्या है ना. मैं चाहूंगा कि सोहेल भाई आप लोग ही बताइए कि आज जी जो आप यहाँ पे आए हैं वो किस वजह से आए हैं. सोहेल भाई प्लीज आप बताइए. इनफैक्ट पाजी बहुत रिलेट करेंगे इस चीज से. करीबन 9-10 साल पहले जी देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड विष्णु इंदूरी, वो हमें मिलने आए और उन्होंने कहा कि उनको एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करना है वेयर हिंदुस्तान के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जी उनको जोड़ के और जो भी सेलिब्रिटीज है सब साथ में क्रिकेट खेलेंगे. वो आइडिया तो बहुत ही बढ़िया था कि क्योंकि हमें सबको एक शौक है बचपन से कि स्टेडियम में जाके क्रिकेट खेलना और वो हमें सबको एक मौका मिल रहा था. लेकिन जो नॉलेज और जो लव हमेशा क्रिकेट के लिए हुआ है, जो एक मैंने अपने वालिद साहब में देखा है, वो जो उनका जो प्यार है क्रिकेट के लिए, और दूसरे अन्ना, तो मैं अन्ना के पास गया और मुझे जेन्युइनली लगा कि जो हमारी टीम है जो मुंबई को रिप्रेजेंट करेगी, करीबन 7-8 दिन या एक हफ्ता लग जाएगा जी उसको जुड़ने में. उस वक्त मैंने इस आदमी का पावर जाना. हमारी पूरी 14 की टीम अच्छा जी 5 मिनट में कंफर्म हो गई थी विद वन कॉल. और मैं आपको एक बहुत मीन चीज बताता हूँ रिगार्डिंग कपिल पाजी. हम खेल रहे थे डीवाई पाटिल स्टेडियम में. मैंने डीवाई नहीं कही, अरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में. तो ये आए और ये आप सीरियसली मेरे पास आते और कहते कि आप भाई 1.5 घंटे लगते आने में, 1.5 घंटे लगते जाने में, आप 1 घंटा तो खेल लो. एक्चुअली ये जो नया फॉर्मेट आया ये आपकी वजह से आया. अच्छा कि आप 2020 मत खेलो, T10 खेल लो. तो इतने विकेट नहीं जाएंगे. तो CCL की टीम से, मुंबई हीरो से सोहेल भाई और सुनील सर तो यहाँ आए, लेकिन अब वक्त है बाकी टीम्स के कैप्टन्स और प्लेयर्स को यहाँ पे इनवाइट करने का, जो कि अपनी अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार्स भी हैं. तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भोजपुरी दबंग से मिस्टर मनोज तिवारी जी और दिनेश निरहुआ. एक बार मनोज भाई और निरहुआ जी के लिए जोरदार तालियां जी. जब भी आवत है जब भी आवत है सबका मन भावत है. वाह वाह. यूपी से बिहार तक मन में मृदुंग बजावत है. सीख बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मनोज भैया अपने गीतों से ऐसी आग लगावत है कि 80 साल का बुजुर्ग भी वाइब्रेशन मोड पे आ. मत रोको.
क्यों नहीं रहुआ? क्या बात है? ऐसा प्यार बीजेपी और कांग्रेस का किसी ने नहीं देखा। याद आ बोलने वाला था। बड़ा शरारती है तू। बहुत गठबंधन का मौसम भी चल रहा है। हम लोग बस यही कहना चाहते हैं जो सीसीएल में खेलते हैं पाजी, तो हम लोग इस लाइनों के साथ खेलते हैं। गा के सुनाओ थोड़ा। हाँ जरा सा सुर दे दीजिए ना मुझे। हम लोग इस भाव से खेलते हैं कपिल भैया जी। एक तो तुम फिर से आ गए ना, बड़ा मजा आ रहा है सर। लव यू। कई लोग मिलते थे, किधर है हमारे गांव में लोग कहे कपिलवा कहाँ बाहो। आज कल चर्चा, मुझे भी पूछा कपिलवा कहाँ है, मैं कहा ट्विटर पे है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर से मिस्टर सुदीप किचा, जोरदार तालियां। सुपरस्टार, आप सबने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा पाजी, मक्खी कमाल थी, क्या बात है। अब जोरदार तालियां हो जाएं तेलुगु वॉरियर से मिस्टर सचिन जोशी और मिस्टर सुधीर बाबू, सारी इंडस्ट्रीज से यहाँ पे तमाम दिग्गज कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ इतने लोग तो सामने नहीं जितने यहाँ पे हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे सुपरस्टार्स के लिए। सर प्लीज विराजमान हो जाइए, ऊपर आ जाए, उधर बैठेंगे सर। नहीं 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 कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं सर आप, अरे सर प्लीज प्लीज बैठिए, ऐसा मत करो सर। अरे नहीं मैं तो, नहीं नहीं सर ठीक है। नहीं बिहार और पंजाब एक साथ। बिहार बंगाल छोड़ पूरा हिंदुस्तान है ये। सोहेल भाई देखो, पहले जो मैं प्रोड्यूस करता था शो से चाय भी नहीं आती थी, सलमान भाई आए पपीते आने लगे। वेरी बिग बजट। अच्छा मैं ना हमेशा सिद्धू पाजी को हमेशा छेड़ता हूँ कि पाजी आपने कितने सारे काम किए, आपने क्रिकेट खेला, कमेंटेटर बने आप, आपने पॉलिटिक्स की, टीवी शोज भी करते हैं, पर पाजी देख लो आप मनोज भाई, ये सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सर आप टैलेंटेड ज़्यादा हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है? मतलब आपको मजा किस सीन में आता है सर? मुझे पता, मैंने पहले ही सोहेल भाई को बोला था कि आप गलत जगह ले जा रहे हम लोगों को, हम लोगों की बनाने से ज्यादा उतारेगा। अरे नहीं सर, पर अपने क्या दाल फुल्का जो अपनी है वो इन्हीं बातों से चलता है, इसलिए ऐसी करनी पड़ जाती है। पर वैसे आपको मजा किसमें आता है मनोज जी, गाना गाने में, एक्टिंग करने में, पॉलिटिक्स में या क्रिकेट खेलने में? नो डाउट मुझे गाना गाने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी वाह। बट इस समय सच पूछिए तो वो सिद्धू पाजी भी जानते हैं जी, पॉलिटिक्स बहुत कठिन है, बट हम फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा उसको मजा लेने की कोशिश करें। मजा इसलिए आ रहा है कि अभी आपका 5 लाख रुपया तक इनकम टैक्स फ्री है। देखो 5 लाख इनकम टैक्स फ्री करने के लिए 5 साल लगे क्यों? जी 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 हाँ जी बीजेपी। वो पाजी क्या थोड़े इंतजाम करने पड़े ना, थोड़ा इंतजाम किया, थोड़ा काम किया, रस्ते बनाए। ये फंस गया। सर आप बैठ जाओ सर। मेरे ना सवाल ही मेरे वॉश हो गए सारे। मेरी हाथ जोड़ के बिनती, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर एक सरकार में हंसाते हैं लोगों को, हमें माफ किया जाए। सोहेल भाई एक ना बच्चों के काफी सारे सवाल है, बच्चे जो बैठे हुए हैं जी, बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट के बड़े फैन है, सब फैन है, तो इनका ये सवाल था कि जब आप क्योंकि प्रोड्यूसर भी हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपने सामने वाले खिलाड़ी को ये बोला कि हमें इजी सी बॉल डाल, हम छक्का मारें, अगली फिल्म तेरे को पक्का, ऐसे कुछ? ऐसे ऐसा होता है, करप्शन है सीसीएल में? अरे ये जो आपने बात कही है जी, हम हो सकता है हमारा कुछ 6वां सीजन था और हम तक तब हारते जा रहे थे जी, तो एक बार हमें एक मौका मिला था सेमीफाइनल्स में आने के लिए जी। पाजी वो ऐसा इक्वेशन था कि अगर हम जीतते तो हम आते, और अगर जीशु की टीम बंगाल अगर जीतती भी तो नहीं आती। अच्छा। तो मैं गया जीशु को मिलने के लिए। तो मैं गया जीशु को मिलने के लिए, ऐसे जीशु आपसे बात करनी थी। तो ऐसे जीशु देखो यार, तुम जीतोगे या हारोगे, तुम एज इट इज आउट है। अगर
थोड़ा बहुत मैन्युपुलेट करना पड़े हमें जीतने के लिए, तो इनका एक्सप्रेशन था ना, नहीं यार, ऑल सेड एंड डन, लेट द बेस्ट टीम विन, इट डजंट मैटर वंस वी ऑन द फील्ड. मैं और चीचा इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब हम फील्ड पे होते हैं everything gets so serious when the game is on. Genuine passion for the game. और highlight है इनके टीम का, मतलब इनकी टीम जो, इनका जो नाम है ना भोजपुरी दबंग जी, मतलब बाजी बॉलर वहां से शुरू होता है रनअप लेके, बैट्समैन यहाँ से शुरू हो जाता है. आधे पिच में आके खेलते हैं यार. तो यही वजह है भाई सीसीएल जो है लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं. अच्छा सुदीप जी को आप सब जानते हैं, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पे जो है रिकॉर्ड तोड़ती रहती हैं. सुदीप जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जब आप अपनी टीम में जो बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं या जो भी प्लेयर्स का, तो ऐसे होता है कि ये इसकी फिल्म ने 200 करोड़ किया इसको ओपनिंग के लिए भेजो, इसने 50 करोड़ कमाया इसको छठे नंबर पे भेजो, ऐसा होता है कि बैटिंग के हिसाब से भेजते हैं? नहीं सर ऐसा नहीं होता है. अच्छा जी, लेकिन ये ध्यान में रखते हैं कि किसके ऊपर खेल रहे हैं. एक अच्छा जी, अगर तमिलनाडु है तो थोड़ा इधर से खेलते हैं. अच्छा वाह, हाँ क्या बात है यार. आजा, आ गया तो हम सोएंगे नहीं. अच्छा इसको तो मारना है. ये सही है, क्योंकि ये क्रिकेट हम खेलते हैं दो, आप दोनों के बीच हो रहा है ना, उधर होता है. जब किचा बोल रहे थे कि हम उनको मारते हैं, तो किचा का मतलब यही नहीं था, ये मत समझिए कि हिंदी में प्रॉब्लम है और मारने की, वो जेन्यून मारने की ही बात करते हैं. जब किचा बोलता है फील्ड में तो मारने की ही बात, वो उसकी हिंदी 100% परफेक्ट है. जो मैं इवन जब मैं तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि वो पॉलिटिकल इश्यू की बात नहीं है, वो कावेरी वो नहीं है, दिस इज बिटवीन येलो एंड ब्लू सर, जेन्युइन प्रॉब्लम इज देयर, जेन्युइन. ये तो हमारे नींद में भी आते हैं. दे प्लेड फाइनल्स 3 बार खेल चुके हैं दोनों, ये येलो एंड ब्लू सर. और लोग तो सर आते हैं सेमीफाइनल पहुंचेंगे ही नहीं, अगर पहुंच भी गए सर सेमीफाइनल 100% वो येलो भी रहेगा सर वो फाइनल्स में, और ये ब्लू रहेंगे. हम लोग ऐसे देखते हैं ताली बजाते हैं वापस चले जाते हैं. नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं. आफ्टर पार्टीज और पार्टीज में सबसे ज्यादा मजा बंगाल टाइगर्स और मुंबई हीरोज करते हैं, क्योंकि हम लोग कोई मैच जीतते ही नहीं है तो उधर में जाके हम लोग पार्टी करते हैं ना सर. तो पार्टी करने के लिए हम लोग वहाँ जाके सर, ऑनेस्ट कन्फेशन सर, हम लोग वहाँ जाके मजा करते हैं सर, हारते हैं जाते हैं रात को पार्टी करते हैं सो जाते हैं सर. अच्छा सुबह का फ्लाइट लेके वापस घर. एक्चुअली इतनी टेंशन भी क्यों लेनी, मतलब अपना आराम से खेलो हारो और सो जाओ. और बोलते भी हैं किसी में दम है तो हमसे हार के दिखाओ. करेक्ट, थैंक यू सर. सिद्धू भाई आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने आपसे भी ज्यादा काम पकड़े हुए हैं. कैसे कौन? ये मैं मिलवाना चाहता हूँ मिस्टर सचिन जोशी जी, इनके लिए जोरदार तालियां. ये तेलुगु वॉरियर्स के को ऑनर भी हैं, साथ ही साथ ये एविएशन होटल रिजॉर्ट रियल एस्टेट फाइनेंस फिटनेस सेंटर और हेल्थ स्पा जैसे काफी, कितने हैं सर टोटल आपके काम? सर लगभग 19 इंडस्ट्रीज है. 19. मैं अपनी लाइफ में पहले एक्टर था, मैंने सबसे पहली बार 8 साल की उम्र में एक्टिंग की है, क्योंकि मेरा घर और FTII सेम वॉल शेयर करते थे, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए डॉक्यूमेंट्रीज की है जी. उसके बाद मेरी पहली इंट्रोडक्शन तेलुगु फिल्मों में हुई है, लेकिन एक बिजनेस एक जो चीज़ है वो मुझे इनहेरिटेंस में मिला अपने फादर जी, लेकिन मैं एक्टर था हूँ और रहूँगा. वाह कपिल भाई साहब और सिद्धू पाजी, आप सब लोगों को देश को बताना चाहता हूं मैं कि हमें कैसे पता होता कि ये जिसु सेन गुप्ता हैं बंगाल के एक्टर हैं, हमें कैसे पता होता है राजीव पिल्लई हैं केरला मलयालम के एक्टर हैं, उनको कैसे पता होता हमारे यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ है, सोहेल सर कैसे जानते कि हमारे यहाँ विक्रांत सिंह है. ये सब कुछ तब हुआ जब हम लोग पूरे देश को एक स्टेडियम में जुटा दिए और वी आर प्राउड ऑफ दिस. क्या बात, क्या बात है. ये पॉलिटिशियन बनने की क्वालिटी आप में शुरू से ही थी. सुदीप सर आपने
स्पेशली केरला की टीम के बारे में क्यों बोल, इनसे क्यों? सर इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वन स्मॉल रिक्वेस्ट सर, आस्क हिम दैट क्वेश्चन। ऐसा क्यों? नहीं साहब आप सीनियर है, आप ही बोलिए। सीनियरिटी के बाद किधर से यार, आप बोलो। मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ, बाद में कपिल सर को देख रहा हूँ। मैनेजमेंट डिसीशन है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। एक बार ना मैं ये बातों से याद आया, हमारे इंटर कॉलेज जो यूथ फेस्टिवल होता है, तो दो कॉलेज उनकी टीम्स बड़ी स्ट्रांग थी, भांगड़ा टीम फोक डांस की, तो एक कॉलेज लगातार जीत रहा था, दूसरे कॉलेज ने क्या किया, उन्होंने प्रोफेशनल्स डाल लिए, ऐसा भांगड़ा किया उन्होंने, वो ट्रॉफी ले गए जी, तो जो हार गए बेचारे उन्होंने बाहर जाके उनसे छीन ली। कहते डिजर्व हम करते थे, तुम लोगों ने प्रोफेशनल डाले। बाकी सुदीप सर भाई एक करेक्शन है जी, हम कभी ट्रॉफी नहीं जीते। हाँ, ये भी ऐसे ही ऊपर वाला सब देख रहा है ना। मुंबई कभी नहीं जीती ना टीम? जीती है सर, सीसीएल शुरू होने के पहले। 20-25 साल हम ही जीतते हैं। और एक क्लैरिफाई भी करना सर, लास्ट ईयर हम लोग सेमीफाइनल तक गए सर, बंगाल बॉम्बे को भी लास्ट ईयर, लास्ट सीजन में हम लोग हराए। इसी एक बात पे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। हमने एक बात तो हराया। एक दिन मैं चेंजिंग रूम में गया था पाजी, एंड जिशु सब वापस आ रहे, जिशु एकदम गुस्से में था और बाकी बंगाल के प्लेयर्स भी गुस्से में थे, तो मैं बोला क्या हुआ, आई थिंक कर्नाटक के साथ खेल रहे थे। कुछ तीन चार पेस बॉलर्स थे, तो सब पतलून उतार के देखा, ये देखो इधर बॉल लगा, इधर लगा, मेरे को नहीं खेलना, कितने फास्ट डालते, पूरे बदन पे लाल धब्बे थे। मैं सोहेल को बाहर आके बोला, सोहेल यार ये यार खींचा तो पेस बॉलर्स ने क्या है यार। हमारे क्या है ना, हमारे बॉलर्स एब्सोल्यूट पवेलियन से दौड़ के आते हैं और डालने से पहले थक जाते तो रुक के ऐसे डालते। दुबई में जो मैच हुआ था हम लोग का, सर इन लोग का एक बॉलर था सर, सर ये बैट कर रहे थे सर, फर्स्ट बॉल में वो सोचा फर्स्ट डाउन गया, विकेट विकेट लिया, तो आ रहा है इस आई डोंट नो हिज नेम, फर्स्ट बॉल बैट उठाया सर, बॉल दिखी नहीं विकेट कीपर के हाथ में। मैं बोला इसको तो दिखाना चाहिए, हम लोग भी बंगाल के सर, जाके विकेट विकेट ठोक के आगे वापस। नेक्स्ट बॉल फिर बैट उठाया सर, बॉल नहीं दिखा, ऊपर उधर में ना वो किलोमीटर को जो कितना स्पीड में बॉल स्पीड दिखाते हैं, घुमा सर देखा 140। मैं बोला ये कहां से आया। मैंने अंपायर को जाके बोला सर नेक्स्ट टाइम मैं आपके गोदी में आता हूं, वो जब स्पीड ले लेगा। आई डोंट नो वो कौन था सर, अरुण होगा, अरुण झूठ मत बोल, बोल कौन था वो, मणिकुटन, एंड दैट विकेट कीपर पाजी, विकेट कीपर एट दैट स्पीड स्टैंडिंग अप टू द विकेट, तो मूवमेंट भी करो तो ऐसे लगता है कि तो या तो स्टंप कर लेगा या बोल्ड होना ही है, तो बैट ही क्यों उठाए। अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जैसे ही कोई ऐसा बॉलर लाते हैं लोग ना, कि डाउट हो गया कि ये थोड़ा एक्टर नहीं है, इसको लाया गया है, तो मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है, तो इसके पहले वो सबसे पहले हमारे पास आएगा, और भाई साहब मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अब जो कंप्लेन करने वाले हैं, हमारा सीसीएल इसलिए भी खास है कि आपने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, देश को कितनी बार जिताए हैं, हमारा ही सीसीएल ऐसा है कि जब बैट्समैन आता ही है तो उसके साथ रनर आता है, और एक साथ चार बैट्समैन आते हैं पिच पे, चार आते आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन बैटिंग करने वाला है कौन रनर है। उसमें भी एक खास बात आज बोल देने तो मुझे, एक आया रनर लेके आया है तो घायल है, बैटिंग किया रनर, वो भी दौड़ा ये भी दौड़ रहा है, तो कह रहा तेरा रनर है, पता चला चारों दौड़ रहे हैं। मोदी साहब डांटे या ना डांटे आ जाते फिर। क्या बोलते उसको, औकात दी जा रही है, वो अपने पुराने घर वापसी कभी भी हो सकती है। Oh!
आप दोनों मिलके एक अलग देश क्यों नहीं बना लेते? एक बड़ा सा प्लॉट होगा ही आपके पास. मुझे लगता है झंडा गाड़ दो अपना, एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक राष्ट्रपति बन जाओ. मैंने एक दिन दिल्ली भी इनवाइट किया है सबको. अच्छा जी. और आप लोग भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा. फिर हम लोग ही हंस दे रहे रिंकिया के पापा गाएंगे. क्या दिस इज माई सॉन्ग. एक बात तो मैं आपको बताऊंगा सिद्धू पाजी, सीसीएल में जैसे कि आप देखो सबसे सब कुछ के बाद आप लोगों को हंसाते हैं, खुश रखते हैं. हम भी सब कुछ छोड़ करके अभी कितना इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है सबके लिए, देश के लिए. आप लोगों के लिए. तुम सब कुछ छोड़ सकते हो, कुर्सी नहीं छोड़ सकते. नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इधर आके क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि लाइफ एक फेस्टिवल है दोस्तों. वाह वाह. इसको जीना है. देखो कितने हंस रहे, कितने नहीं, गेटिंग कंफ्यूज हूज होस्टिंग सर. डिस्कशन वही चल रहा है कि होस्ट कौन कर रहा है. This is the problem with the Kerala also, sir. Now you understood what the problem is. Kapil Sharma show है ना? एक ही आया, भारी आया. मनोज भाई ने जैसे कहा, सुधीर बाबू हमारे, एक बार पहले तो जोरदार तालियां हो जाएं सुधीर बाबू के लिए. बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और इनके ब्रदर इन लॉ महेश बाबू, आप सब जानते हैं उनको, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं. अच्छा सुधीर भाई, मैं एक आपसे बात पूछना चाहता था. मैंने सीसीएल के दो तीन सीजन जो है मैं साथ में ट्रेवल भी किया. हर एक टीम के दो दो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर रहती हैं, ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस. अच्छा. हाँ, तो जैसे हमेशा जो मैच होता है तो हमेशा वो खड़ी रहती हैं सब, मैंने देखा है. वो अपनी टी शर्ट पहन कर अपनी अपनी टीम की चीयर अप कर रही होती हैं. आज जब आना था तो सब लड़के आ गए, उनको क्यों नहीं लाए? इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि हम जितने भी थोड़े क्रिकेट के बारे में हमें जानकारी है, हम जो ब्रांड एम्बेसडर्स को लेके जाते हैं ना, तो किसी ने एक बार चौका या छक्का मारा तो सब तालियां मारने लगे. दैट लेडी सेज इज इट अ गोल. आई सेड यार इसको इंटरव्यू के लिए मत लेके जाना. तो इसने थोड़ा डर बैठ गया हमें उसके बाद, क्या ब्रांड एम्बेसडर्स को थोड़ा अवॉइड ही करें. हमारी टीम के साथ भी हुआ था एक बार, मनोज भैया आउट हो गए. अच्छा जी. और हल्ला मचा. अब वो हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर थी उनको पता नहीं हुआ क्या, तो अचानक तब तक बगल में जो बैठी थी क्या कर रही है, मनोज भैया आउट हो गए, आउट हो गए. अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी. मेरे को तो दुख लगा है सोहेल भाई कि चलो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं आई. सिद्धू भाजी को बड़ा दुख है क्योंकि ये ना सुबह कॉपी पेन लेके ना हिसाब लगा रहे थे, कहते देखो 8 टीम, एक एक टीम की दो दो ब्रांड एम्बेसडर, 16 लड़कियां के हिसाब से 32 शेयर तैयार किए थे. नहीं नहीं मेरी बात सुन लो, मैंने कुछ कहा और मैं मेरी बात नहीं मैं ऐसे ही सिद्धू भाजी ये कह रहे थे, कहते यार हमने इतने साल क्रिकेट खेला है देश के लिए, इतना मजा आया नहीं, हमेशा राणा टंगा मुदस्सर नजर हमारे आसपास घूमते रहते थे. कहते इन लोगों का कितना मजा है. तो कहते आज सीसीएल खेलता, कहते इतनी खूबसूरत हिरण रहती हैं सब, तो बंदा आउट ही ना हो कभी. तो पाजी जो 1990 में हुआ था उसका रीजन क्या है? यार नाचती है हमेशा, स्पेशली साउथ हीरो लोग के लिए नाचे लिए जोरदार ताली. तेरे को कितनी बार कहा आते पहले नाचा मत कर, चुड़ैल लगने लगती तू. को बनाया किसने? तेरे लिए बनी ना मैं चुड़ैल. बैठ नीचे चुड़ैल. कितना अच्छा लग रहा है सबको देख के, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, 23 से लेकर 24 तक सब आए ले. 23
23, 24 मतलब? अरे अन्ना के बाइसेप देखो ना 23 है, सोहेल भाई के 24 है। अच्छा आप लोग दोनों जब साथ में जिम जाते रहेंगे तो डंबल की तो चीखें निकल जाती होंगी। ऐसा रहते हैं। तुझे कैसे पता? तू तो कभी जिम गई नहीं। मैं जिम नहीं जाती लेकिन ये लोग जाते हैं ना, अगले दिन ट्रेडमिल आती है मेरे पास मसाज कराने के लिए। बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं आप लोग। अच्छा अन्ना, वो सीसीएल अभी मेरे को याद आया। अच्छा आप तो एक भी कैच नहीं मिस करते होंगे ना? मेरे को खिलाते ही नहीं है। खिलाते नहीं है? सारे कैचेस। लेकिन मैंने तो सुना था अन्ना 24 घंटा रहता है चौकन्ना। वो गेम के बाद। अच्छा अन्ना आप तो मैच में सेंचुरी भी बहुत मारते रहेंगे ना? बड़ी चापलूसी कर रही थी अन्ना की। करनी पड़ेगी सुनना। क्या? गफ्फूर ने मेरे को समझाया था मुंबई में टिके रहना ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने। इधर है निरोवा जी, कैसे? एकदम कितने सीधे ना एकदम। अरेंज मैरिज के दूल्हे जैसे लगते एकदम। मैं सच्ची बोलती हूँ सुदीप जी, सुपरस्टार साउथ के लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छी। मैं सच्ची बोलती हूँ सर, आप पहले सुपरस्टार है जो डाउन टू अर्थ एकदम। सच्ची में सोलबा, हमारे इधर राजपाल यादव को हीरो ले लो ना, वो भी 10-15 गुंडे मार देता है पिक्चर में, लेकिन ये इतने डाउन टू अर्थ है मक्खी से मार खा गए पिक्चर में। अच्छा जैसे आप लोग का सीसीएल है ना सोहेल भाई, हम लोगों ने भी एनसीएल निकालेला है। एनसीएल मतलब? नाला सुपारा क्रिकेट लीग। आप लोग का ना मुंबई हीरो, कौन सा भोजपुरी दबंग, हमारे इधर भी है मुलुंड के मलंग। नाला सोपारा के नल्ले। चिंचोली बंदर के चिंदी चोर। और ऐसा हंसने का नहीं सर, आप लोग ऐसा हंस रहे लेना, ऐसा नहीं, बड़े बड़े लोग जानते हैं। अभी सचिन तेंदुलकर जी है ना, उनको ये सब बताकर आई मैं ये सब लीग, क्रिकेट लीग के बारे में। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं उन्होंने क्या, मैं उनके बंगले के बाहर जाके से खड़े रह के बताकर आ गई। सुना क्या नहीं सुना। लेकिन धोनी है ना धोनी, उनके साथ पर्सनल डिनर था अपना। इसे जब मैंने उनको बताया लीग के बारे में, माय गॉड, मेरे ऐसा रिटर्न टिकट थी ना फ्लाइट की, मेरे को बुक करने ही नहीं दिए। इतना खुश हो गए? नहीं खुश नहीं हो गए, घुमा के ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा ना इधर मेरे को, मैं ऐसा सीधा उड़ के मुंबई आ गई थी सर। लेकिन क्रिकेट है ना, मेरे को ये सब समझ में नहीं आती है। मतलब दो ऐसे खिलाड़ी रहते और 11 लोग ऐसे घेर के खड़े रहते हैं। अगर वट से खेलना है तो इधर भी 11 रखो, उधर भी 11 रखो ना। सर ये क्या है? और सच्ची बोलती, किसी के पास स्कूटर वीटर तो है नहीं, हेलमेट पहन के काय को घूमते रहते हैं। काय को ऐसा रखते हैं आप लोग अन्ना? अरे इसलिए। अरे वो पागल, वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं, वो बॉल तेज आती है ना इसलिए। तो करेक्ट बॉल से खेलने का नहीं था, हार्ड बॉल से काय को खेलती। मैं आपको सिंपल आइडिया बताती हूँ सोहेल जी, अपना सॉक्स निकालो और ऐसा गोल गोल करो, ऐसे लगता भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट रहता है। अन्ना कितने बड़े बड़े लोग यार, आप लोग कितना पैसे वाले है, अच्छा थोड़ी लगता है। इतने बड़े बड़े लोग एक ही बॉल के पीछे भागते रहते हैं। आप लोग के पास पर्सनल अपना एक एक बॉल रखो, खेलने में मजा आएगा। तो पागल है। एक ही बॉल होती है इसमें, क्रिकेट में एक ही बॉल रहती है। कैसा गेम है? टेनिस में देखी सर, टेनिस में प्लेयर के पास हाथ में भी बॉल रहता है, ऐसा कच्चे में भी दो बॉल रखते हैं और पीछे वो बॉय रहता है, वो 5-6 बॉल लेके खड़ा रहता है। वो लोग इतना इन्वेस्टमेंट करते, आप लोग को क्या प्रॉब्लम है इतना बॉल रखने में? बताओ सर, बताओ। और मेरे को एक चीज इन लोग का ना सर, आई एम वेरी सॉरी, आप लोग बड़े लोग हैं, मैं गरीब, मेरे को इनका एक चीज बहुत खराब लगा, झूठ बोलते हैं लोग। क्या? क्यों? मैं उस दिन क्रिकेट मैच पे गई ना, मैं पूछा क्या चल रहा है, कहते 20-20। काय का 20-20, सब 35 के ऊपर है। क्या बोलते आप? अच्छा सोहेल जी एक और कंप्लेंट है मेरे को, ये मैं देखिए आपके जितने खिलाड़ी लोग है ना, ऐसा बॉल लेके थे खुजली करते रहते इधर।
उन लोग को समझा तो बॉल से खुजले वैसा होगा नहीं. आपने बाहुबली देखे लाए, उसमें का ऐसा वो गोल घुमाते ना कांटे वाला बॉल, उससे खुजली करेंगे तो खुजली मिटेगी. ये सब लोग को समझा देंगे. सपना, वो चमकाते हैं बॉल को, ध्यान से देखा कर टीवी पे. टीवी में देखती थी पहले. पहले मेरे को क्रिकेट में बहुत मजा आता था. लेकिन सोहेल जी, 1990 के मैच के बाद मैंने बंद कर दिया. मैं सच्ची बोलती सिद्धू पाजी, मेरे को आज भी यकीन है आप आउट नहीं हुए थे. अगर उस टाइम पे लूज मोशन रहता ना तो पता चल जाता इन लोग को. अबे लूज मोशन नहीं, स्लो मोशन. हमारे नाला सुपर में लूज मोशन ही बोलते हैं. वो आप लोग का एम्पायर है ना, वो तो बहुत ही खराब है. बहुत अश्लील हरकतें करता है वो. कौन सी हरकत ये तो बता. अरे वो ऐसे खड़ा रहता है, बाजू में से लड़की लोग खड़ा रखता है, ऐसे करता है, नाचती है वो. कितना खराब लगता है मालूम है. वो चीयर लीडर होती है, अंपायर इशारा करता है सिक्सर का. हाँ. तो वो डांस करती है. अच्छा, तो इधर भी तो सिद्धू जी ऐसे इशारा करते हैं, छा जा गुरु शुरू हो जा गुरु. इधर भी चीयर लीडर बिठाओ ना फिर नाचने के लिए. ऐसे नहीं रहते. खैर ऐसा बकवास का किट किट अन्ना, मैं जो मेन काम के लिए आई ली उसका मैं बता दे. हमारा मसाज पार्लर है इधर. अच्छा. आप लोग आइए ना पार्लर में, बहुत अच्छा मसाज देते हम लोग. 20-20 मसाज बहुत अच्छा है. इट्स अ 40-मिनट सेशन सर. इसमें अपन क्या करते हैं, 20 मिनट हम कस्टमर को मसाज करते हैं, फिर 20 मिनट कस्टमर हमको मसाज करते हैं. अच्छा, हमारे इधर टॉस मसाज बहुत अच्छा रहता है. उसमें क्या होता है. उसमें हम कस्टमर को ऐसा टॉस करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, फिर जब वो नीचे गिरता है, हेड आता है तो हेड पे मसाज करते हैं, टेल पे गिरता है तो टेल पे मसाज करते हैं. ऐसा रहता है. फिर हमारा वो बहुत अच्छा मसाज है, स्लीप मसाज. उसमें क्या होता है. उसमें कस्टमर को इतना तेल डाल देते हैं, फिर उसमें बैठ के ऐसा स्लीप करते हैं हम. और नीचे ऐसा बर्तन रखते, उसमें पानी रहता है छपाक से, ऐसे बच्चे लोग को बुलाने का, खेलने का, ऐसा ऐसा मजा आता है बहुत. बाप रे बाप. मनोज जी आप आए ना, आपके लिए तो स्पेशल मसाज है. कौन सी. SBPW. ससुरा बड़ा पैसे वाला मसाज. उसमें जो पैसे वाला आदमी रहता है ना, उसको पकड़ के हम मसाज कर करके ससुरा बना डालते. किसी को नहीं चाहिए मसाज. ठीक है, तू बोलता है तो जाती है, जाना ही पड़ेगा. खैर जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहती आप सब लोग को. क्या. हम लोग ऐसा बोलते रहते ना, हमारे देश में ऐसा एकता होनी चाहिए. हाँ. है ना. क्या बोलने से कोई फायदा नहीं. आज हर स्टेट के लोग बैठे ले बैठे रहे. कितना अच्छा लग रहा है. मतलब ये लोग एकता का प्रतीक है हमारे इंडिया का. जोरदार ताली. और मैं सच्ची बोलती है, आज ना आप लोग को पूरा इंडिया देख रहे ले, तो पूरा इंडिया देख रहे ले तो दिल से एक ही बात बोलेगी, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को. क्या हो गया सपना, तू जा रही है अभी. चल लेके जा, तेरे मसाज में काम आएगा. ओके बाय सर. बाय सर. आपको पता है निरहुआ जो है हमारे, इनको भोजपुरी सिनेमा की हिट मशीन कहा जा सकता है. इनकी सारी फिल्में सुपरहिट रहती हैं. पाजी इनकी टीम का नाम पता क्या, भोजपुरी दबंग्स. तो ये बच्चों का सवाल था ऐसे, ये जो छोटी बच्ची बैठी हुई शायद निरहुआ जी से पूछना कि जैसे आप टीम में जाते हैं तो टीम का नाम है भोजपुरी दबंग, तो ऐसे बैटिंग करने से पहले आप ऐसे ऐसे करते. हम लोग जब भी जाते हैं जी, तो बाकी कुछ नहीं करते हम लोग, सबसे पहले भैया को देखते हैं, मनोज भैया को. अच्छा जी. अब उनका मूड कैसा है, क्योंकि जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी. अच्छा जी. भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं. मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए. बोले कौन. बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए. बोले मैं नहीं खेलूँगा. क्यों.
मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। वो प्लेयर वीक है मतलब नहीं वो जेन्युइन हाँ कई सब एक्टर है ना, तो हम कहीं नहीं बोल सकते कि वो बहुत तगड़ा होगा। वो दूसरी बात छोड़ के, जैसे आप लोग सुदीप जी का और राजीव जी का सुन रहे थे, तो रवि को मैं चाहता हूँ कि वो टीम में रहे क्योंकि फेस अच्छा है, और चाहता हूँ कि ये बैटिंग भी ना करे, लास्ट में जरूरत पड़े तो ही आए। ऐसे कैप्टन अपना प्लानिंग करता है। भैया एक और सर, एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा, तू पकड़ के रख। भैया जाते हैं ओपनिंग करने, बोलते तेरा काम यही है कि अगर मैं उधर आउट हो गया तो इसको पकड़ के रखना, कोई और प्लेयर आएगा, प्रवेश आएगा या नहीं। वो पहले ओवर से ही पैड वैड पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा, और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे, बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर सर में कैसे हो और इस चक्कर में सर मैं अच्छी बॉलिंग डालता था, रवि भैया के चक्कर में मुझे बॉलिंग से संन्यास लेना पड़ा। पहली गेंद पे अच्छा कैच उठा था, उनके हाथ में था, और वो कैच आने से पहले अचानक वो उनको लगा कि पहले थोड़ा उधर हाथ हिला लेता हूँ। हजार महादेव बाबू। नहीं लेकिन विद ऑल फेयरनेस बहुत बड़ा एक्टर है रवि, लेकिन खिलाड़ी कमजोर है। नहीं लेकिन वो रवि भैया कहते हैं भाई मुझे पहले जाने दो, ये मनोजवा समझता नहीं है। मैं अगर गया ना बाबू मार के बोलवा को फाड़ दूंगा। चकदे में जैसे शाहरुख भाई पूरा एक स्पीच देते हैं, वो हम लोगों को हर मैच के पहले देते हैं। और सर इतनी गालियां देते हैं वो, हम बता नहीं सकते। आ जाते हैं और पूरा शुरू हो जाते हैं, पूरा एकदम नॉन स्टॉप गाली, जीतना ही जीतना, ऐसा कुछ क्या बोलते थोड़ा? अगर हार गए बेटा तोड़ डालूंगा, मैं बता रहा हूँ तोड़ दूंगा सबको। मनोजवा कहाँ है, मनोजवा कहाँ है? हाँ वो रेडी हो रहे हैं भैया, रेडी हो रहे हैं, उसको बोल दो ओपनिंग में जाऊंगा। निरवा जी वो किस्सा तो सुनाओ जरा, जो एक ही फिल्म में आप वो सीनियर पुलिस ऑफिसर बने थे और वो बोले थे कि आप मार नहीं सकते क्योंकि मेरा, क्या सुना जरा किस्सा सुना। हम लोग तीनों एक साथ फिल्म कर रहे थे, मैं मनोज भैया रवि भैया, हाँ मनोज भैया को आना था, मैं पुलिस इंस्पेक्टर, हाँ रवि भैया को एक पंच मारना था क्योंकि वो चोरी करके वहां से भागे थे, वो चोर थे। हाँ चोर है नहीं बोल नहीं, नहीं, वो चोर चोर है बोले। सिनेमा में सॉरी सर, सिनेमा उन्होंने करेक्ट कर लिया, उन्होंने सॉरी सर सिनेमा में। और जैसे आए रवि भैया, मनोज भैया उनको मारना चाहे तो बोले नहीं 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 ये क्यों मारेंगे मुझे। तो फाइट मास्टर बोले अरे सर वो DIG हैं, वो आपको बोले वो DIG है तो मैं बाबा रवि किशन हूँ। लेकिन आज मैंने पहली बार किच्चा को यहाँ ऐसे हंसते बोलते देखा हूँ, वरना टूर्नामेंट के दौरान हाय सुदीप भाई मतलब आधा बिना खेले हरा दे दहशत से, पता नहीं कौन ऐसा होता है। सुदीप भाई कर्नाटक में गए हुए, इन्हीं के घर गए हुए, हाँ। सुदीप भाई
सर वो खाली आपकी रिस्पेक्ट है, बाकी हमको तो उतना भी नहीं होता क्या है, देखते भी नहीं है, देखते भी नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते माय सर बच्चा यादव। ओ गॉड कपूर शर्मा क्या इंटरव्यू में टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, ये सब मत करो आज, आज भाषण करवा दो सिद्धू जी का। क्यों भाषण क्यों कराना? अरे जाहिर सा बात है यार, देश के कोने कोने में जाके ये भाषण देते हैं, आज देख के यार इनका फॉर्चुनिटी देखिए, इतने बड़े बड़े लोग देश के कोने कोने से यहीं पे आ गए हैं, दे दो यार भाषण, कितना देना। आज पूरा फिल्म इंडस्ट्री इधर है, बॉलीवुड टॉलीवुड कॉलीवुड चिड़िया उड़ तोता उड़ ये क्या है तोता उड़ कवड़ क्या कपूर शर्मा, कम ऑन यार, चार स्पॉन्सर के आ गए, बचपन का खेल ही भूल गए। सुनील जी माय सेल्फ बच्चा यादव, हम यहीं पर रहते हैं पीछे, हमारा इधर तबेला भी है, आप अन्ना कभी घर पे हमारे, अन्ना नहीं आना बोलते हैं, अन्ना ही बोलते हैं इनको, डोंट टीच मी, अन्ना बोलते हैं यार इनको, कुछ पता नहीं है। मनोज तिवारी जी व्हाट इज अप? फाइन 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 ऑल फाइन। वैसे मनोज जी आपको बताएं, आप में और सिद्धू जी में ना एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या? दोनों ने चार चार काम पकड़े हुए हैं। देखिए सर एक्टर भी हैं, सिंगर भी है, साथ में नेता भी हैं, ये तो तीन काम हो गए ना। हाँ तो नेता है तो थोड़ा तो बड़ा चढ़ा के बोलेंगे ना, तीन का चार तो चलता है, चलता है। वो 2014 के पहले चलता था। अच्छा? अब 2014 के बाद वाला फिर मुद्दा आ गया। जो कुछ भी खराब है 2019 में ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वो कह रहे थैंक यू सो मच। वैसे निरहुआ जी आपसे भी मिलकर खुशी हुआ, ये आदमी कमाल है। ये अच्छा फेसबुक के ऊपर कैसे लोग अपना स्टेटस डालते हैं, ये अपने स्टेटस के ऊपर फिल्म बना डालते हैं, निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ चलल नहाने, निरहुआ चलल धोने। ये क्या स्टेटस लगा रखा तुम्हें, फालतू में बातें कर रहा है। स्टेटस का बात इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका है नहीं ना। वैसे आप लोग को देख के आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड, वेरी किक्ड यार, देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आना कैसे हुआ बच्चा? ये लोग क्रिकेट प्रमोट करने आए। क्रिकेट को क्यों प्रमोट करना, क्रिकेट तो पहले से ही फ्री हिट है। ये सीसीएल है, इसमें सिर्फ फिल्म स्टार्स खेलेंगे। आई गॉट इट। क्या? I got it. क्या समझ गया? समझ गया, हम समझ गया, समझ गया। नहीं हम समझ गए, शर्मिला टैगोर जी ने पटोजी जी से शादी किया, फिर संगीता बिजला ने अजुरदीन जी से शादी किया, गीता बसरा ने हरभजन सिंह से शादी किया, अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली से शादी किया, सारा बड़ा बड़ा हीरोइन को क्रिकेटर ले गए, इसके लिए हीरो लोग क्रिकेटर में आए हैं बदला लेने के लिए। It is sweet revenge. Sweet revenge. But Jisshu ji. Yes. Namaste. Tumi Bangla, ami gaadi. Tumi Bangla, ami gaadi. Just for jokes, yaar. Khali bol diya. Koi baat nahi hai isme. What stupid joke it was. But he comes with this fabulous one-liner. Thank you, sir. मजा आता है सर, लाइफ में क्या है, मजा होना चाहिए, बस माहौल बनना चाहिए। वैसे राजीव जी, सुना है कि आप ऐसा डेंटिस्ट का पढ़ाई किए हैं, मतलब पूरा कोर्स वोर्स किया है? ना नहीं सर, क्या लोगों का दांत निकालने के लिए आपको इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं था? हमें देखिए यार, हम फ्री में लोगों के दांत निकाल देते हैं। वो कैसे? जोक सुना के दांत निकाल निकाल के लोग हंसते हैं यार, आसान है यार, इट इज इजी। जैसे जोक्स तू सुनाता ना बच्चा, तेरे निकालेगा कोई दांत किस दिन देखना, तेरे हाथ पे रखेगा उस दिन। कपूर शर्मा एक बात बताइए, क्या सिंधु घाटी जो है हाँ वो क्या थी? सभ्यता तो दिखाइए ना यार।
सोहेल जी, हमारे ना 11 बच्चे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को हम एक्चुअली आप लोगों से मिलाना चाहेंगे। नाना जी ले आइए जरा। बच्चों ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? पता है लोगों का टेम्पर, इट इज एज ऑल्सो। छोड़िए, वो तो देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आई एम थिंकिंग कि हम इनको अपनी तरह ना स्पोर्ट्स में डालेंगे। अपनी तरह आप शौक मत होइए, आई एम इनटू स्पोर्ट्स। अरे टीटी के चैंपियन रहे हैं हम। टीटी मतलब बताना पूरा, टेबल टेनिस नहीं, तत्काल टिकट नहीं बुक कराते? वो करवाता है ये। थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। खैर कोई नहीं, ये वाला जो है ना सर, इसको ये बड़ा होके, सर आई एम टेलिंग यू, ये गोल्फ खेलेगा। तुझे कैसे पता? ना हमने देखा यार, इसका निशाना कमाल का है। बाथरूम में पॉट से 6 फीट दूर होता है और सुसु का धार सीधा है। बड़ा पावर है यार। नाम नाम इसका ये है, इसका नाम है ट्वीटू। ये बड़ा होकर ट्वीट करेगा। उस तो उससे क्या होगा, जब पता है कुछ नहीं होगा तो क्यों करते हो? फालतू का पंगा यार, why this polarity? ऐसे यार, ये देखिए, और ये वाला जो है ना, ये बड़ा होकर ना धोनी बनेगा, क्योंकि हर 5 मिनट में कुछ ऐसा करता है जो धोनी पड़ती है। ऐसे हैं बच्चे हमारे। बच्चा तूने भाभी से पूछा है क्या कि क्या बनाना है, क्या बनना है, ऐसे कैसे? उससे भी तो पूछो वो क्या बनाना चाहती है। अरे भाभी से क्या पूछना है यार, उसको तो मेदू वड़ा बनाना तक नहीं आता, वो क्या बनाएगी बच्चों को कुछ खाए का। अच्छा जी, मेरे को मेदू वड़ा नहीं बनाना आता। आपसे तो मैं 1 मिनट में बाद में बात करूंगी, पहले मैं गेस्ट लोगों से मिल लूं। ओ तड़ी दी। काफी टाइम लग जाएगा, इसीलिए एक ही साथ कह देती हूँ, हेलो वड़क्कम। हेलो सोहेल सर, आज पूरी भड़ास निकालना बोल बोल के, क्योंकि पिछली बार पापा ने बोलने नहीं दिया था ना। हाय सुनील सर। हाय 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 हाय। ओह माय गॉड, मतलब सिद्धू बाजी, हाँ जी, मतलब हम साथ साथ पार्ट 2 आ रही, इतने लोग आए हैं। भाभी ये लोग क्रिकेट के लिए आए। अच्छा तो ये क्रिकेट वाले हैं, मतलब सिद्धू पाजी ने अपने लोग बुला ही लिए। देवर जी ध्यान से सुनना, आज क्रिकेट वाले आए, कल ये नेता लोग को बुलाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन वो भी आ जाएगा कि यहाँ पे सारे देशों के प्रधानमंत्री बैठे होंगे। भाभी ये ना, ये सब फिल्म स्टार्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जी, मुझे लगा ही नहीं था, मुझे सब पता, मैं इनकी फिल्में देखती हूँ। कैसन बा? बढ़िया बा। निरवा जी खाएबा? खाएबा। मैं तो पाजी इतनी फटाफट खाएबा ते पीबा, फिर इधर भी फटाफट जाएबा। मनोज जी चेक लाए आप? कहे लिए? मैं बता देती हूँ, वैसे मैंने बोलना नहीं था लेकिन मैं बता देती हूँ, जो इनका गाना था ना रिंकी आके पापा, उसमें रिंकी मैं थी और इन्होंने मेरा लाफ्टर भी यूज किया। ये क्या बात हुई भाई, जब बंदा हिट हो जाए तो फिर मतलब क्रेडिट ही नहीं देना। सुदीप जी। जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। मैंने आपकी मक्खी फिल्म देखी थी। अयो। अब आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी मक्खी तंग करे आप बच्चा को बुला लेना। तो ये क्या करेगा? ये मुंह से मक्खी पकड़ लेता ऐसे करके। एक बार निरहुआ जी इन्होंने गलती से मक्खी की जगह मधुमक्खी पकड़ ली, फिर इनके मुंह से जो हनी सिंह निकला है ना। मतलब कि मजा ही आ गया।
हमें मधुमक्खी ने काटा, आपको मजा आया? हाँ जी, बहुत मजा आया। जब हमसे भी बड़ा नहीं बनता तब आपको भी तो मजा आता है। अरे तो नहीं बनता, नहीं बनता, मेदू बड़ा नहीं बना पाती है। सुनील जी, हम आपको सच बताते हैं, मेदू बड़ा बनाती है, बीच में छेद ही नहीं होता है। अब बताइए ना, वो तो बड़ा बड़ा रह गया ना, उसका मेदुत्व कहाँ गया? देखो जी, मेदुत्व पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छे से आता है। मुझे पता था आज हमारे साउथ इंडिया के सुपर स्टार आ रहे हैं, इसीलिए मैंने साउथ इंडियन खाना बनाया है, इडली की रोटी और सांभर का साग। ऐसी कोई क्या ऐसी कौन सी डिश होती है? नहीं होती ना, मेरे से बन जाती है। मेरे से पंजाबी खाने का खजाबी खाना बन जाता है, रशियन का भजियन बन जाता है, मतलब देवर जी मेरे से सारा ही कुछ मिक्स हो जाता है। और ये सारा का सारा हमें खाना पड़ता है। हाँ तो तुम मत खाया करो। आए बड़े, एक मिनट, ऐसा वैसा मत करो, जाओ यहाँ से, बच्चों का डायपर चेंज करो। अरे कोई फायदा नहीं है यार, कितना बार भी चेंज कर लो सेम चीज वापस कर देते हैं वो लोग। उससे अच्छा बच्चों को ही चेंज कर दो यार। कहीं मैं बच्चों का बाप चेंज ना कर दूं? हाँ आए बड़े, मैं आपको क्या बताऊं मनोज भाई, मैंने बच्चों के लिए दूध का पाउडर खरीदा था, ये बंदा खा गया। नहीं नहीं खाया नहीं सर, हम खाए नहीं थे, खाए नहीं थे, उसका स्मेल हमको अच्छा लगा तो थोड़ा थोड़ा छिड़क लिया। सुहेल जी, ऐसे लगता कि मैंने 12th मैन से शादी कर ली है, जिसका कभी कोई काम ही नहीं होता, तैयार होके बैठा रहता है। आए बड़े, काश मुझसे वो 16 सोमवार के व्रत पूरे हो गए होते तो आज मेरा पति सुहेल जैसा होता। ये क्या क्या बोली जा रही है? वही बोले जा रहे हो जो तुम सुने जा रहे हो, समझे? पाजी मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे, 3 व्रत मैंने अच्छे से कर लिए, चौथे व्रत में ना किसी ने मेरे आगे ना चाट पापड़ी रख दी, मैं सुंदर खूबसूरत हॉट लड़की चाट पापड़ी के सामने मैं पिघल गई और मैंने खा ली, तभी दही भल्ले जैसा पति मिला। इतना बुरा पति मिला है सुदीप जी, ऊपर से इतना गुन्ना है कि हमारा बच्चा हो गया और इसने मुझे बताया नहीं कि मैं माँ बन गई हूँ। अरे बच्चा तुम्हें हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें बच्चा होने वाला है। ऐसे कैसे पता हो जाएगा? हाँ एक नंबर के आलसी है ये, 11-11 बच्चे मैंने अकेली ने पैदा किए, ये नहीं कि बीवी का हाथ बटा दे, एक आधा ये भी पैदा कर ले। या आप क्या कहना चाह रही हैं, प्रकृति का नियम बदल दें क्या हम? अच्छा रिमोट से चैनल बदल सकते हो, नियम नहीं बदल सकते। आए बड़े, सच में सर समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के हमने इससे शादी किया, 7 फेरे लिए इसके साथ, पता नहीं सोच के नहीं पानी पी के किया है। फेरों में 17 बार रुका है आदमी पानी पी के, ये फेरे लिए इस बंदे ने। एक मिनट देवर जी, आप होते कौन हो इतने हैंडसम लड़कों के सामने मेरा मोटे से पति की बेइज्जती करने वाले? आप भी तो उसे कह रही थी अभी कुछ। मैं उसकी बीवी हूँ, आप उसकी बीवी हो, आप सलवार पहनते हो, मंगलसूत्र पहनते हो, मांग में सिंदूर भरते हो। आए बड़े, चलो जी ये बंदा तो हमारा घर ही बर्बाद करने में लगा हुआ है। सही बात है, लेकिन एक मिनट जाने से पहले सर हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता है। इसने करवानी बेइज्जती। I have jokes. हमको बताइए सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? थोड़ा भी ज्यादा घूर लिया तो आग से पानी निकलता है, इससे भी निकलता है। होता है यार। अच्छा हमको बताइए अगर नारी शक्ति है तो नर क्या है? सहन शक्ति। सहन तो करना पड़ता है। अच्छा बताइए टूथब्रश जो होता है वो दुनिया की सबसे बदतमीज चीज है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि सबके मुंह लगता है यार। मजा आ गया, चलो तितली। नहीं मुझे नवराज पाजी से बात करनी है। नवराज पाजी शुक्र है तुमने बात की, नहीं तो मैं सबके लिए छोले भटूरे लेने जा रहा था, कोई बुला ही नहीं रहा मुझे। नहीं नहीं पाजी, मैं आपको ना एक ट्यूब लिख के दूंगी, आप रोज सुबह शाम जैकेट पे लगाना, पिंपल नहीं होंगे। पाजी एक और रिक्वेस्ट है,
है? हाँ जी। मेरे ना पीठ पे खुजली हो रही है, वहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा, आपके तीखे बालों से ऐसे कर दो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ सुनील शेट्टी सर से। जी सर, सोनी वालों ने ना आपको झूठ बोल के बुलाया है, कहते अंजलि इधर है, अंजलि का दूसरा शो है सुपर डांसर। लेकिन कोई बात नहीं, उधर अंजलि है, इधर तितली है, तितली अंजलि सेम ही तो है। सर मैं चाहती हूँ कि जो आपने अंजलि के साथ डायलॉग बोला था ना कि तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं चाहती हूँ सर, ये तो प्यार करते नहीं, इनको तो पता ही नहीं रोमांस कैसे करते हैं। कम ऑन यार, शट अप यार, कम ऑन। आइए सर, इतने प्यार से बोलना सर कि इनको पता चले कि मैं कितनी सुंदर हूँ। तितली तितली, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा लेकिन ये बच्चा मनोज जी कैसे जैसे क्यों दिख रहा है? आप पे गया है मनोज जी, आप पे गया है। मनोज जी हम क्या सुन रहे हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं नहीं, हम देखिए, एक तो हमारे मन में सवाल उठ रहा है ना कि आपने कपिल भाई इनका सिलेक्शन किया या ये कहां से पाए गए? ऐसा क्यों? नहीं, आप लोगों ने हिंदी सिनेमा को बड़ा नुकसान कर दिया है टीवी में आके। आप लोग वहां रहते तो बहुत सारी फिल्में और भी हिट हुई होती। फिल्में आती साल में दो, हम आते हैं हफ्ते में दो बार। और वाकई सर कमाल है, हम सारे इस शो वाले बड़े एटीट्यूड वाले हैं सर। फिल्में वाले इधर आते हैं प्रमोशन करने, हम कभी नहीं उनकी फिल्मों में गए। हमने बहुत एटीट्यूड है सर। लेकिन ना मजा आ गया, चले आप चले, आइए आइए, हम आपके बच्चों को छोड़ देते हैं। आशीर्वाद। अच्छा छोड़ रहे हैं? अच्छा लाइए लाइए, है कुछ दाल में कला, ये उन्हीं का है। लेकिन सुनील सर जी, इधर आना जरा आप। हाँ, तुम्हारा जफ्फी भाव यार मजा आया। क्या बात है, थैंक यू सर। किधर गए आप? तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे तमाम कलाकारों के लिए। अजीत, जस्ट वांट टू से समथिंग दैट जिस हम सबको जोड़ा है वो हमारे साथ बैठे हैं, और मैं उनको बुलाना चाहूंगा। विष्णु इंदुरी, विष्णु प्लीज कम अप। अरे हाउ आर यू विष्णु जी, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। और हमने जो बातें की है, हम लोग साथ में हंसी मजाक करते हैं, लेकिन विष्णु मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहें कि सीसीएल जो अच्छा काम भी कर रही है, हर सीजन हम कोई ना कोई चैरिटी या संस्था या कोई भी प्रॉब्लम जो हो रहा है उस स्टेट के अंदर या सिटी के अंदर, विष्णु हमेशा कुछ ना कुछ जो फंड्स आते हैं उसको यूज़ करके कुछ भला करता है। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस। As CCL actors come and play, it's their passion for the game. And her season, we decide to do something or the other for the society. Few seasons, we sponsored almost 100 odd heart surgeries for kids from economically backward things. And in one season, we sponsored surgeries for acid victims. And all of them here have been helping us. Sohail Bhai, Sachin Joshi, everyone are kind enough to participate in those social causes also, apart from playing cricket. Thank you. Thank you. So, ये जान के और भी अच्छा लगा कि CCL जो है वो आपका मनोरंजन तो करता ही है, लेकिन इतने अच्छे काम करते हैं। विष्णु जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस ब्यूटिफुल, इस बड़े ही ये नोबल कॉज है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, और सब बधाई के बात रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे शो पे आने के लिए। आपने आज चार चांद लगा दिए, इतना मजा मुझे नहीं लगता पाजी आज से पहले कभी आया है, और रियली थैंक यू सो मच। फ्रॉम द CCL साइड, एक्चुअली सर 7 years बहुत अच्छे खेले हैं हम सब, बट आई थिंक वी आर ऑल्सो वेरी प्रिविलेज टू बी ऑन योर शो। थैंक यू एंड सिद्धू जी, आई हैव टू
I have to mention, I'm very sure Sidhu ji ko yaad nahi rahenge. I think long back, World Cup ek match ke liye wo Bangalore aaye the. Sorry about my Hindi, my friends. Just bear me. Tab ground pe hum juniors of the state and YMCA. Hum, main bhi udhar ek ball boy tha. Wow. Kya baat hai? Haan, tab wo ek bat use karte the, jispe ek sticker hota tha, power. Arre, power sticker. That's my first sticker so that I used. He had gifted me that bat. Arre, wow. Kya baat hai? So, little did I dream that one day I'll be seated here and the legend will be sitting there and. How sweet, Paji, banda dekho, superstar ho gaya aaj. Mere bhai, meri maa kehti thi ki achhai kabhi marti nahi, aur hamesha wapas aati hai 100 guna banke. Aaj jo tumne mujhe de diya hai, कोई दुनिया का पैसा वो खरीद नहीं सकता है. मैं सीरियसली कह रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. लव यू. यू मेड माय डे ब्रो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड टू ऑल माय फ्रेंड्स थैंक्स फॉर हैविंग अस हियर. प्लेजर प्लेजर. जी सुधीर. फाइनली आई गेट अ चांस टू टॉक. नोबडी लेटिंग मी टॉक. सो बट नो वी टॉक लेस बट वी शो एवरीथिंग इन द स्टेडियम. वी प्ले इन वी वन 3 टाइम्स. सो तेलुगु वॉरियर्स इज गोइंग टू शो. क्या बात है. विनिंग द मैचेस. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम सुपरस्टार्स के लिए. और अब वक्त है सेल्फी का. सुदीप सर, आप हम सब में से आपका मुंह सबसे तीखा है. तो वो छोटा आता है ना फेस, जो मतलब जो सेल्फी लेता है उसका मुंह बड़ा बड़ा आता है. सो आप लंबे भी हैं. सो सेल्फी आप लेंगे सब. हम एक सेल्फी लेते हैं जी. सब लोग आ रहे हैं बीच में. आइए आइए. सब लोग यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, प्यार मोहब्बत से रहें. एक ही लाइफ है, खुल के एंजॉय करें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.